वेलकम व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपना लव बर्ड का सेटअप और यहाँ चलेंगे माशाल्लाह ब्रीड आई हुई है, आपको वो भी दिखाते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि लव बर्ड में मेल और फीमेल चेक करने का क्या तरीका है, आज किस तरह से पता लगेगा कि ये मेल है और फीमेल है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि मेल और फीमेल चेक करने का सही तरीका कौन सा है, क्योंकि बज़ाहिर तो इनकी कोई निशानी नहीं होती और इसमें बेहतरीन तरीका इनके जोड़ चेक करने का होता है। आज हम वो भी आपको दिखलाएंगे और जो ब्रीड हमारे पास आई हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे पास किन किन लव बर्ड में ब्रीड आई हुई है, आज चल के वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं, आज आपको ये भी दिखलाते हैं। माशाल्लाह तमाम बर्ड एक्टिव है, एज वाइज आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इन्हें हमने कॉलोनी में छोड़ा हुआ है और कॉलोनी में भी इनका रिज़ल्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है हमारे पास। जी, आपको अब बताएंगे कि इनमें मेल और फीमेल को कैसे चेक किया जाता है। बाद दोस्त ऐसे हैं कि वो इनका हेड देखते हैं, लेकिन इसका यही है कि अगर आप DNA बहुत ज़्यादा कास्टली आपने नहीं रखे हुए और आम फिशर हैं या लव बर्ड लटिनो वगैरह और आम आपने कॉमन लव बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उनका आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उनका सही तरीका यही है कि हम इनको चेक करने के लिए, इनकी ये एक हड्डी होती है ये सामने वाली, और अगर हम इस हड्डी से यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर इसका जोड़ होता है, हमने ये जोड़ देखना है जो मेल होगा उसकी इस हड्डी और इस जोड़ के दरमियान ये वाला जो है हिस्सा, इसमें गैप ज़्यादा होगा और उसके ये जो जोड़ हैं ये भी मेल के बंद जोड़ होते हैं और नुकीले होंगे। ये जो है इसकी हड्डी ये यहाँ तक आती है लेंथ में और इसका ये जोड़ खुला है और ऊपर से नुकीला भी नहीं है और जोड़ इस तरह से होता है और ये खुला जोड़ है। तो ये वाली हमारी फीमेल है, जो मेल होगा उसकी ये वाली हड्डी थोड़ी छोटी होगी, फीमेल की छोटी होगी फीमेल की, और उसका ये जोड़ बंद होगा। ये वाली इसकी हड्डी ज़्यादा लेंथ में है और इसका ये जोड़ भी खुला है, ये हमारे पास है फीमेल। मैं अब आपको एक मेल दिखाता हूँ। जी, ये हमारे पास एक मेल है, इससे पहले हमने आपको दिखाई थी फीमेल। ये मेल है, ये आप देखेंगे कि इसकी ये वाली हड्डी ज़्यादा लेंथ में है इस जोड़ और यहाँ पर इसका गैप कम है और ये जो जोड़ है ये भी तंग है और नुकीला है, जिसकी वजह से ये है हमारे पास एक मेल। इसके जोड़ बंद हों, ऊपर से नुकीले हों और ये वाली हड्डी ज़्यादा लेंथ थी वो मेल है, और जिनके अगर नुकीले नहीं और जोड़ खुले, ज़्यादा जोड़ खुले और नुकीले भी नहीं होंगे और इस हड्डी के दरमियान फासला भी ज़्यादा होगा, वो हमारे पास फीमेल होगी। और जिनके ये हड्डी लंबी और जोड़ बंद होंगे वो हमारे पास मेल होगा। इंशाल्लाह मज़ीद भी इंफॉर्मेशन देंगे, आगे चलते हैं, मज़ीद आपको बर्ड्स दिखाते हैं अपने। जी माशाल्लाह, ये हमारे पास यहाँ पर लटिनो का बच्चा है, जी मज़ीद आगे चल के देखते हैं। जी यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह, ये हमारे पास बच्चे आए हुए हैं, इन्हें सब्ज़ा दिया था खाने के लिए, इन्होंने नेस्टिंग के लिए ये भी ले गए हैं अंदर। माशाल्लाह, और मज़ीद दिखाते हैं आपको, ये आपको
एग्स का कलर भी नज़र आ रहा होगा ऐसा है कि बिल्कुल फर्टाइल। इसमें भी बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। मज़ीद आगे चलेंगे और उनमें देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया हुआ है, तो वो भी चल के दिखाते हैं आपको। इसकी ऊपर वाला केज ये यहाँ आते हैं तो यहाँ पर, हाँ जी ये बच्चा आया हुआ है माशाल्लाह। इनके अंडे अब चेक करेंगे हम, अगर अंडे खाली हैं या ख़राब हो चुके हैं तो वो हम निकाल देंगे और मज़ीद आगे चलते हैं और चल कर दिखाते हैं आगे। चेक कराओ यार, इसमें भी चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया हुआ है जी। माशाल्लाह यहाँ पर भी हमें अंडे नज़र आ रहे हैं। ये अंडे कलर वाइज हमें पता चल जाता है, इनके कलर अब बता रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश अंडे हैं और ये हो सकता है कि अभी वो मज़ीद भी अंडे देगी। इसमें हमें 5 अंडे नज़र आ रहे हैं, चलें मज़ीद देखते हैं। इसे बंद करो यार और ये ऊपर वाला खोलो, ये वाला जी, इसके अंदर भी बच्चा है और हमें देखकर छुप रहा है। इसको देखते हैं जी, चलें ठीक है, इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हम, मज़ीद आगे चलकर देखते हैं जी। इसमें भी देखेंगे चल के कि क्या सूरत हाल है। हाँ जी यहाँ पर भी हमारे पास अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह, ठीक है मज़ीद आगे चलेंगे। शबाज इसे बंद कर दो, खोल के ये वाला केज भी खोलो, इसका बॉक्स, इसमें देखते हैं क्या सूरत हाल है जी। माशाल्लाह इसमें हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं जी, बिल्कुल फ्रेश ये ताज़ा बच्चे हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं माशाल्लाह जी। उसके बाद इसे बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है माशाल्लाह जी। चले मज़ीद आगे चलते हैं जी। यार शबाज़ ये थोड़ी सी हेल्प करो, आगे से हटाओ इसके ताकि हमें नज़र आए जी। हाँ जी इसमें ये बच्चे आए हुए हैं इसमें भी माशाल्लाह। जी यहाँ पर हमारे पास आए हुए ये 3 अंडे नज़र आ रहे हैं, ये अंडे भी फ्रेश लग रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद अंडे आएंगे यहाँ पर, कि इस सिंगल ने भी अंडे देना अब शुरू किए। मज़ीद बॉक्स देखते हैं और आगे चलते हैं जी, चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं माशाल्लाह ये लटीनो के बच्चे हैं। ये काफ़ी ऐसे होते हैं, ज़्यादातर अक्सरियत तो ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा मच्छिंग ले जाते हैं और जाके एक घोंसला बंदा बना के, जिन्हें हमें भी बच्चे देखने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये वाला पेयर देखें कि इसने ज़्यादा कुछ नहीं ले गया, इसने ऐसे ही ब्रीड ली है। यहाँ पर इन्होंने अंडे दिए और बच्चे निकले हैं माशाल्लाह, 3 अंडे थे जिनमें से 2 बच्चे आए हैं हमारे पास। अब चलकर देखते हैं इस केज में और ये वाला बॉक्स माशाल्लाह, यहाँ पर भी हमारे पास ये 2 बच्चे आए हुए हैं, शर्मीले हैं ये आपके सामने जी माशाल्लाह। और मज़ीद चलते चलेंगे आगे जी, यहाँ पर भी हमारे पास ये बच्चा आया हुआ है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं
ये अंडे हम भी चेक कर लेंगे, अभी ये इससे ज़्यादा दिन नहीं हुए निकले हुए, अगर इनमें बच्चे हैं और अभी अंडे ख़राब नहीं हुए तो रहने देंगे, और अगर अंडे ख़राब हो चुके हैं और बच्चे नहीं हैं तो फिर हम इन्हें निकाल देंगे। हाँ जी, ये हमने आज आपको अपने लव बर्ड्स की ब्रीड भी दिखाई है, और आपको आज हमने ये भी दिखाया कि जो जोड़ों से चेक किया जाता है मेल और फीमेल, ये है कि अगर आप आम कॉमन लव बर्ड रखते हैं तो आप इसी तरह से चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आपने ऑफलाइन और काफ़ी कास्टली लव बर्ड रखे हुए हैं, उनमें ऑफलाइन हैं और काफ़ी कास्टली हैं, तो बेहतर यही है कि आप फिर उनका DNA करवा लें, बाद में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कास्टली लिए हुए उन्हें टाइम ज़ाया करना उनका और ब्रीड का सीज़न गुजर जाना, इसलिए बेहतर यही होता है कि वो कंफर्म आप पहले से ही DNA वाले बर्ड लें। बाकी ये है कि इनको आप सीज़न में विटामिन का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, इनका जो मिक्स दाना है वो बाज़ार में बना बनाया मिलता है वो कभी ना लें, बल्कि ख़ुद ही तैयार करवाएँ, उनमें मुख्तलिफ बीजीज होते हैं जो कि काफ़ी होते हैं, वो बाजारी जो दाना बना होता है उसमें वो लोग कम डालते हैं, अच्छा दाना देना चाहिए। हम वीडियो के एंड में हम दाने के मुतल्लिक भी इसका मुकम्मल एक चार्ट दे देंगे, ताकि आप उसके मुताबिक अगर तैयार करा लें तो वो सबसे बेहतर रहेगा। के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।